तो दोस्तों फाइनली आज मैंने भी देख ली कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म विक्रांत रोना को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या है इस फिल्म में खास और क्या इस फिल्म में ऐसी कोई कमजोरी है जिसको देखने के बाद हम इस फिल्म की आलोचना कर सकते हैं। तो भैया इन सभी बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा अपने इस रिएक्शन से बोलूं या फिर रिव्यू के माध्यम से। तो भैया बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने विक्रांत रोना के इस फाइनल रिव्यू को रखूं, कि उससे पहले मैं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक बात तो आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भाई आज जब मैं इस फिल्म को देखने पहुंचा था सिनेमाघर में, तो मेरे दिल में बस एक ही बात थी कि भैया ये फिल्म भी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अब तक आई हुई सभी फिल्मों की तरह बेहतरीन होनी चाहिए। यानी कि भैया अभी तक हम लोगों के सामने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से जितनी भी फिल्में आई है भैया, उन सभी फिल्मों ने लोगों का दिल भी जीता है और अपनी इंडस्ट्री का भैया परचम भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार तरीके से लहराया है। और भाई आज जब विक्रांत रोना सिनेमा घर में रिलीज हुई थी, तो भैया मुझे इस फिल्म से भी यही उम्मीद थी कि भैया ये फिल्म अपने इंडस्ट्री का परचम फिर से एक बार बॉक्स ऑफिस पर लहराए और भाई इस फिल्म के माध्यम से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो जाए। तो भाई वाकई में भैया किच्चा सुदीप सर की इस फिल्म ने निराश नहीं किया है मेरे भाई। तो चलिए अब शुरू करते हैं विक्रांत रोना के रिव्यू को। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म का रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन हैं। तो भाई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं अनूप भंडारी, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। और दोस्तों अनूप भंडारी को लेकर एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि भैया जब मैंने इस फिल्म का मिड रिव्यू आप लोगों के सामने रखा था, तो उस वक्त मुझसे एक गलती हो गई थी अनूप भंडारी को लेकर कि भैया मैंने ये बात कही थी कि अनूप भंडारी की ये पहली मूवी है, यानी भैया इस फिल्म के माध्यम से वो डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि भैया नहीं, ये फिल्म उनकी तीसरी फिल्म है। इससे पहले भी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दो शानदार फिल्में है मेरे भाई, और ये उनकी तीसरी बेहतरीन फिल्म है मेरे भाई। इससे पहले भी उन्होंने जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी हैं, वो फिल्में भी सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई फिल्में थी, जैसा कि भैया आज हमें सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिला है विक्रांत रोना के माध्यम से। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो दोस्तों इस फिल्म में नजर आ रहे हैं किच्चा सुदीप सर, उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रहे हैं निरूप भंडारी, उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रही हैं नीता अशोक और जैकलीन फर्नांडिस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर की, तो भैया इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर जो है वो है विलियम डेविड, और भाई इस फिल्म के जो एडिटर हैं वो हैं आशिक उसगुल्ली, और भाई इस फिल्म के म्यूजिक को दिया है बी अजनीश लोकनाथ ने। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के उन मुख्य किरदारों की जिन्होंने ये बेहतरीन फिल्म सिनेमाघर में बनाकर हम लोगों के सामने रखी है। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म के कहानी की। तो दोस्तों अमूमन ये बात तो आप लोग जानती हो कि मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूं, और भाई आज जब इतनी बेहतरीन सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई फिल्म हम लोगों के सामने आई है, तो भैया इस फिल्म से जुड़ा हुआ अगर मैं थोड़ा सा भी स्पॉइलर अगर आप लोगों को दे दूं, तो आपका जो सस्पेंस है ना वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। लेकिन भैया एक बात मैं आप लोगों को पूरे दिल से कहना चाहूंगा कि भैया अगर मैंने इस फिल्म की आधी स्टोरी आप लोगों को सुना दी ना भैया इंटरवेल तक की, तो भैया उस कहानी को सुनने के बाद भी आप यह बात नहीं समझ पाओगे कि भैया फिल्म में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। यानी कि भैया फिल्म में इतना ट्विस्ट एंड टर्न है ना कि भैया वो आपको हमेशा यह सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई आखिर में आगे होने क्या वाला है। यानी कि भैया बहुत ही कसी हुई स्टोरी है, बहुत ही कसा हुआ स्क्रीन प्ले है, बहुत ही कसा हुआ मेकिंग है, बहुत ही कसा हुआ कंटेंट है। यानी कि भैया इस फिल्म ने ऐसा कोई भी लूपहोल फर्स्ट हाफ में नहीं छोड़ा है कि जिसकी वजह से आप यह सोचकर कुर्सी छोड़कर उठ जाएंगे भाई फिल्म बोर कर रही है। यानी कि भैया ये फिल्म जब आप देखना शुरू करेंगे तो भैया आप कुर्सी पर चिपक कर बैठ जाओगे। यानी कि भैया ये फिल्म आपको धीरे 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 भैया पूरी तरीके से डेप्थ में ले जाएगी, और उसके बाद आप टाइम के बाद जब कहानी खुलेगी तो भैया आप फिर ये बोलोगे अरे यार ये
सीन वो वाला है, अच्छा ये सीन उस सीन से कनेक्ट हो रहा, अरे भाई आगे इसलिए ये हुआ। यानी कि भैया हर एक मोमेंट पर ये फिल्म सरप्राइज कर रही थी मेरे भाई। यानी कि यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर अनूप भंडारी की, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया। यानी कि उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने भैया बहुत ही ईमानदारी से इस फिल्म को सिनेमा घर में उतार कर रख दिया है। तो भाई चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं इस फिल्म की कहानी का कि भैया आखिर में आपको इस फिल्म के माध्यम से क्या स्टोरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको इस फिल्म में एक ऐसा गांव देखने को मिलेगा जहां पर कई सारे बच्चों का अपहरण हो जा रहा है या फिर वो गायब हो जा रहे हैं और कुछ दिनों के बाद उन लोगों की लाश जो है वो जंगल में एक पेड़ पर लटकी हुई मिल रही है। यानी कि ऐसी कई सारी हत्याएं उस गांव में हो रही है और भाई इन हत्याओं का जांच एक पुलिस ऑफिसर कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस इंस्पेक्टर इन हत्याओं से राज उठा पाता कि भैया उसकी भी हत्या हो जाती है और भाई जब वो हत्या होती है तो भैया वहां पर एंट्री होती है भाई कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के रियल सुल्तान यानी कि किच्चा सुदीप की। वो वहां पर आते हैं विक्रांत रोना के अवतार में और उसके बाद वो इस मर्डर मिस्ट्री को पर दर पर खोलते चले जाते हैं। लेकिन भाई वो जिस तरीके से इस फिल्म की कहानी को खोल रहे होते हैं तो भैया वहां पर भी आपको कई सारे ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिलेंगे कि जिसको देखने के बाद आप ये सोचोगे कि भैया किच्चा सुदीप वाकई में इंस्पेक्टर है या फिर कुछ और है या फिर इनकी भी एक अलग कहानी है। यानी कि भैया कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर में कहानी और भाई हर एक कहानी आपको काफी इंगेज करेगी। यानी कि भैया काफी दिनों के बाद एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर सिनेमा घर में देखने को मिला है और वो भी बहुत ही बेहतरीन मेकिंग के माध्यम से। और भाई इस फिल्म को तो मैंने 3D वर्जन में आज देखा है और भाई 3D वर्जन में तो इस फिल्म को देखने के बाद मजा आ गया मेरे भाई। यानी कि भैया मेकिंग इतना जबरदस्त था और इस फिल्म का मतलब कि हर एक विजुअल, हर एक शॉट इतना शानदार और इतना एंगेजिंग था कि भैया लग ही नहीं रहा था कहीं से कि भैया ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कोई फिल्म है। यानी कि भैया इस फिल्म को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि भैया अगर हम कलाकारों के चेहरों को साइड रख दे तो भैया इस फिल्म का मेकिंग हॉलीवुड के लेवल का हो रहा है मेरे भाई। यानी कि भैया हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी जो है भैया वो अपने बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से अब वर्ल्ड की बड़ी बड़ी फिल्मों को मुकाबला देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के कहानी की। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों की परफॉर्मेंस की तो भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है मेरे भाई। और खास तौर पर सुल्तान किच्चा सुदीप सर ने तो भैया दिल जीत लिया है अपने जबरदस्त अपीयरेंस के माध्यम से। यानी कि उनकी एंट्री जहां भी हो रही थी और वो जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे यानी कि भैया हिंदी में उन्होंने जो डब किया है ना भैया सैल्यूट है उनको, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को डब किया है अपनी आवाज में जिसकी वजह से यह फिल्म कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आ रही थी। क्योंकि भैया साउथ की फिल्मों को लेकर एक बात हम लोग जानते हैं कि भैया अगर उन फिल्मों का डब अच्छा से ना हो, उसका हिंदी में डायलॉग्स अच्छा ना लिखा गया हो तो भैया फिल्म थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। लेकिन इस फिल्म में वो कमी नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद अगर हम लोग बात कर भैया इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट की तो नो डाउट इस फिल्म के जो DOP है यानी कि विलियम डेविड, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक शॉट को, हर एक इफेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है इस फिल्म में। उसके बाद अगर हम लोग बात कर भैया इस फिल्म के आर्ट डायरेक्शन की तो भैया आर्ट डायरेक्शन की टीम ने बहुत ही डेप्थ में जाकर काम किया जिसकी वजह से इस फिल्म का विजुअलाइजेशन आउट ऑफ द बॉक्स नजर आया है। और उसके बाद भैया फिल्म का एक्शन हो, VFX हो, उसके बाद में ग्राफिक्स हो, उसके बाद साउंड इफेक्ट हो, यानी भैया BGM तो आ हा मजा आ रहा था मेरे भाई। मतलब कि कई सारे शॉट ऐसे हम लोगों के सामने आ रहे थे कि भैया रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। यानी कि कुछ समय तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये फिल्म हॉरर मूवी तो नहीं है। यानी कि भाई हर एक फ्रेम, हर एक विजुअल, हर एक सीन इतना शानदार, इतना बेहतरीन कि भाई लाजवाब लाजवाब लाजवाब। यानी कि ये फिल्म हर मामले में सुपर से ऊपर है। इस फिल्म में ऐसा मुझे कोई भी कमी नजर नहीं आया जिसको देखने के बाद मैं इस फिल्म की बुराई आप लोगों के सामने करूं ये कहते हुए कि भैया ये फिल्म यहां कमजोर हो गई है, वहां कमजोर हो गई है। यानी कि आज जब मैं इस फिल्म को देखकर बाहर आया तो भैया मैं यही डिस्कस कर रहा था शिवम के साथ में कि भैया बॉलीवुड के मेकर ऐसी फिल्मों पर काम इन दिनों क्यों नहीं कर रहे हैं, बॉलीवुड के राइटर भैया ऐसी कहानियां क्यों नहीं लिख रहे हैं, और भाई आज क्यों साउथ की फिल्में बॉलीवुड की फिल्मों के ऊपर में हावी हो रही हैं। तो उसका जीता जागता उदाहरण है ऐसी फिल्में जो कि भैया बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से सिनेमाघरों में आ रही हैं, बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से सिनेमाघरों में आ रही हैं, जिसमें ऐसा
नजर आता है कि भैया इन लोगों ने फिल्मों को सिनेमाघर में लाने से पहले काफी होमवर्क किया था, जिसकी वजह से उनकी ये फिल्म इतनी शानदार और इतनी बेहतरीन बनी है। यानी कि भैया ये फिल्म हर मामले में सुपर से ऊपर है, और भैया जब तक साउथ इंडस्ट्री की तरफ से ऐसी फिल्में सिनेमाघर में आती रहेंगी, तब तक बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस पर यानी कि भैया अपने ही बेल्ट में अब सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि भैया साउथ इंडस्ट्री की इन बेहतरीन फिल्मों को कड़ा मुकाबला देने के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर को अब इस लेवल पर जाकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को लेकर जो ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि इस फिल्म का जो बजट है वो केवल 95 करोड़ है मेरे भाई, केवल 95 करोड़ है। और यहां पर 200-250 करोड़ की फिल्में बनकर आती हैं ऐसी कि जिसको देखने के बाद हम ये सोचते हैं कि भैया इस फिल्म में इन लोगों ने खर्च क्या किया है। लेकिन जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको लगेगा कि भैया ये तो फिल्म 200-250 करोड़ की फिल्म लग रही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि भैया ये फिल्म जो है वो 100 करोड़ से कम बजट में बनी है। तो भाई वाकई में क्रिएशन तो ये लोग कर रहे हैं ना, तो भैया इनकी तो तारीफ बनती है मेरे भाई। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है कि नहीं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भैया मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा इस फिल्म को लेकर कि भैया एक बेहतरीन फिल्म आई है सिनेमाघर में, और अगर आपको इन दिनों अच्छा इंटरटेनमेंट चाहिए अच्छे क्रिएशन के माध्यम से, तो भैया इस फिल्म को देखने के लिए आप 101% जाओ। भैया जो लोग इस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैलाएंगे, इसको लेकर गलत कहेंगे, भैया उनको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये फिल्म मुझे दिल से काफी अच्छी लगी और भैया इतना अच्छा क्रिएशन हुआ है, तो भैया इस फिल्म को लेकर तो मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि आप इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर में जरूर जाओ। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।